गल करते हैं हुण सियासत दी। खेमकरन सीट नूं लैके अकाली दल दे विच बगावत दे आसार बनदे नजर आ रहे ने, क्योंकि खेमकरन दी सीट विरसा सिंह वलटोआ नूं दे दित्ती गई है। आदेश प्रताप सिंह कैरों दे राजनीतिक सलाहकार गुरमुख सिंह दा दावा कि कैरों दी पत्नी परनीत कौर ही खेमकरन तों चोणां लड़नगे। पट्टी तों आदेश प्रताप सिंह ते खेमकरन तों परनीत कौर लड़नगे चोणां। कैरो परिवार का यह आखिरी फैसला है, यह उन्होंने सलाहकार वालों साफ कर दिया गया है। नाल ही कहा कि मजबूरी च सुखबीर बादल ने वलटोहा का नाम ऐलानिया है। सुखबीर बादल की भैन ने परनीत कौर, हालांकि कल खेमकरन जिस वे रैली सी तो उस वे लग रहा है कि उसे हालात जो ने वो चिंताजनक भी उस वे नजर बनी हुई थी सियासतदानों की भी, क्योंकि खेमकरन की सीट से दावेदारी ठोकी जा रही थी, हजे भी ठोकी जा रही है कैरों परिवार के वालों। तो दूजे पासे नाम जो ऐलान दिता गया है सुखबीर बादल दे वल्लों विरसा सिंह वलटोआ दा, ता एक पासे सब तो पहला अपने नाम दा ऐलान जलालाबाद तो कीता सुखबीर बादल ने, तो उस तो बाद दूजी रैली खेमकरन दे विच होई तो उथे ऐलान कीता गया विरसा सिंह वलटोआ दा। तो उस वेले ही लग रहा सी कि हुण बगावत दे सुर या फिर खिचो तान सियासी खेमकरन दी सीट नूं लैके देखण नूं मिल सकती है। बेशक विरसा सिंह वलटोआ दा नाम ऐलान दिता गया है, पर खेमकरन तो अजे भी जो कैरों परिवार है वो अपनी दावेदारी ठोक रहा है, कह रहा है कि पट्टी तो आदेश प्रताप सिंह कैरों ते खेमकरन तो उन्हां दी पत्नी परनीत कौर ही चोण लड़नगे। मंग नूं मुख रखदे होया स्वीकार किया, स्वीकार करके कैरों परिवार ने अपने परिवार से फैसला किया कि साढ़े ही परिवार का मैंबर बीबा परनीत कौर जी कैरों खेमकरन हलके तो इलैक्शन लड़नगे। ये उन्हां दा आखिरी फैसला, वह कदे भी बैकअप नहीं होणगे। तुसीं वेखो बीबा परनीत कौर कैरों जी वो भी बालसा की बेटी ने, सर सुखबीर सिंह बादल वो भी सर प्रकाश सिंह बादल के बेटो भैन भरा ने, वो फैसला जब सुखबीर सर सुखबीर सिंह जी करनगे सर प्रकाश सिंह बादल जी सोचणगे उस बारे। पर जिहड़ी गल तुहानूं मैं क्लीयर कर रहा कि खेमकरन हल्के तो जिहड़ी इलैक्शन 2022 की, यह बीबा परनीत कौर कैरों ही लड़नगे। कई लीडर खुश करने वास्ते भी पार्टी प्रधान नूं कई कुछ कहना पैंदा, क्योंकि उन्हें हरेक तो कम लेना, इस करके पार्टी प्रधान की कहने मजबूरी होंगी कोई ना कुछ कहना, इस करके बड़ा असर नहीं पैंदा। कुल जी कई मजबूरी को कह गए होणगे, क्योंकि मैं तो इस चीज़ वाले ध्यान नहीं देता जी, पर जो कह भी गए उन्होंने कोई मजबूरी होएगी। दावेदारियां ठोकियां जा रही ने, दावेदारियां दे विचाले सुखबीर बादल ने खेमकरन की रैली के मंच तो विरसा सिंह वलटोहा की उम्मीदवारी से मोहर लगा दी है, जिस तो बाद यह दावेदारी अजे भी कैरों परिवार के वलों ठोकी जा रही है कि खेमकरन की सीट तो असी ही लड़ांगे। दो हजार बई की चुनावी एक्सप्रैस के लिए अकाली दल ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। सुखबीर बादल ने पहली कन्फर्म टिकट जलालाबाद तो अपने नाम की कट्टी, तो सोमवार को खेमकरन तो दूजी टिकट विरसा सिंह वलटोआ के नाम की तय हो गई। जलालाबाद की सीट शायद ही इन्नी मुश्किल रही होवे, पर खेमकरन की वेटिंग लिस्ट च खुद बादल परिवार के जवाई आदेश प्रताप कैरों मौजूद सन। बावजूद इस दे सुखबीर बादल ने जवाई की बजाय वलटोहा नूं कन्फर्म टिकट दे दित्ती। तो आज मैं ऐलान करदा कि आने वाली इलेक्शन विच खेमकरन तो श्रोमणी अकाली दल दा उम्मीदवार विरसा सिंह वलटोहा। पिछलियां चोणां च इसे खेमकरन सीट तो हार दा सामना कर चुके वलटोहा ने भी नाल दी नाल दावा ठोक दिता कि सिर्फ टिकट कन्फर्म नहीं हुई है बल्कि हुण सीट ते सत्ता दोनों कन्फर्म होंगे। लोगों का बहुत धन्यवाद है, लोगों ने एडा वड्डा प्यार एडा माण एडा सत्कार दिता है, देने नहीं दे सकते, उत्थों नतीजे जिहड़े स्पष्ट ने। चोणां तों एक साल पहला ही टिकट तय करन च पार्टी दे अंदर कोई उथल पुथल ना मचे, इस दे लई भी सुखबीर ने वर्करां नूं संदेश दे दिता। बेनती करना चाहना सारी समुची लीडरशिप इत्थे बैठी है, या धड़ेबंदी छड़ दिओ, थोड़ा धड़ा श्रोमणी अकाली दल है। सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार नूं घेरन दे मकसद नाल पंजाब मंग दा जवाब अभियान छेड़िया होया, जिस दीआं दो रैलियां नाल हुण तक अकालियां दे दो उम्मीदवार निकल चुके ने। यानी माहौल तां चुनावी हो चुका है, बस एडवांस बुकिंग नाल फायदा किन्ना होएगा इस दे लई इलैक्शन एक्सप्रैस दे फाइनल स्टेशन तक पहुंचन दा इंतजार करना होएगा। तरन तारण तो सिद्धार्थ अरोड़ा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18 पंजाब।